आज जानते हैं रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर को वॉयेजर 1 अंतरिक्ष यान में उसकी इंटरस्टेलर यात्रा पर ऊर्जा देने के लिए क्यों चुना गया था। फैक्ट 1, 1977 में नासा द्वारा लॉन्च किया गया वॉयेजर 1 हमारे सौर मंडल से परे अंतरिक्ष की गहराई का पता लगाने के लिए एक ऐतिहासिक मिशन पर निकला। फैक्ट 2, चुनौती। सूर्य की रोशनी से दूर गहरे अंतरिक्ष के अंधेरे विस्तार में अपने उपकरणों के लिए बिजली कैसे बनाए रखें। फैक्ट 3, ये जनरेटर प्लूटोनियम 238 के क्षय से निकलने वाली गर्मी को बिजली में परिवर्तित करते हैं, जो लंबे समय तक चलने वाला और विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत प्रदान करता है। फैक्ट 4, वॉयेजर 1 के RTZ ने इसके उपकरणों को दशकों तक चालू रखा है, जिससे यह हमारी आकाशगंगा के सुदूर इलाकों से अमूल्य डेटा वापस भेज सकता है। फैक्ट 5, ये RTZ हमारे सौर मंडल से परे भी संचार बनाए रखने, उपकरणों को शक्ति देने और पृथ्वी से जुड़े डेटा को प्रसारित करने के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए हैं।